अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजीबुल हसन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस YouTube के चैनल पर। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हाइपर सेल्फ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इस सेशन में हम इस मेडिसिन की जो स्पेसिफिक सिम्टम्स आ जाती हैं उनके रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं जो हाइपर सेल्फ मेडिसिन है इसकी जो मरकजी लामत आ जाती है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। हाइपर सेल्फ जो मेडिसिन है इसका पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हसास तबीयत का होगा। इस पेशेंट को सर्दी तो बिल्कुल भी रास नहीं आती होगी। सर्दी रास आने से मुराद ये है कि जब भी इसको ठंडी हवा या ठंडी हवा का झोंका लगेगा तो इसकी जितनी भी इलामात होंगी उनमें काफ़ी ज़्यादा शिद्दत आ जाएगी। अब कौन सी इलामात होंगी वो उनके रिलेटेड हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। आज का जो ये सेशन है जैसे मैंने आपको बताया है कि ये स्पेसिफिक सिम्टम्स के हवाले से है। डिटेल सेशन इंशाल्लाह आपको बाद में देखने में मिलेगा इसी चैनल पर। लाजमी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड मैं सेशन इस चैनल पर अपलोड करते रहता होता हूँ तो वो आप जाकर चेक कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जो इसकी स्पेसिफिक सिम्टम है उसमें सबसे पहली सिम्टम के रिलेटेड। अब हाइपर सेल्फ मेडिसिन जो है ये काफ़ी ज़्यादा खनाजीरी जो मिजाज वाले पेशेंट होते हैं उनको दी जाती है। अब इससे मुराद ये आ जाती है कि जिन पेशेंट्स में गले की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने में मिलती हैं, मतलब ये कि गले काफ़ी ज़्यादा सूजे हुए होंगी, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर स्वेलिंग वगैरह इन्फ्लेमेशन वगैरह देखने मिले। अब ये इन्फ्लेमेशन बेसिकली जो टॉन्सिल्स होते हैं उनके रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। इस किस्म के जो केसेस होते हैं उनमें ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब एक ही सिम्टम्स के रिलेटेड होम्योपैथी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन आ जाती हैं, मतलब कि टॉन्सिल्स के रिलेटेड होम्यो में बहुत ज़्यादा मेडिसिन हैं, लेकिन जो भी होम्यो की मेडिसिन होगी वो पेशेंट के जो जिस्मानी इलामात हैं, जिस्मानी हुलिया है, उनको मद्दनज़र रखते हुए और खसूसन जो पेशेंट का मिजाज है उसको सामने रखते हुए होम्यो की मेडिसिन अप्लाई कराई जाती हैं। अब गले की प्रॉब्लम्स के साथ खसूसन फोड़े फंसियों की शिकायत भी पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा देखने मिली, मतलब ये कि उसके जिस्म के ऊपर अब्सेसेस काफ़ी ज़्यादा बनते रहते होंगे। अगला पॉइंट आ जाता है कि जो हाइपर सेल्फ मेडिसिन का पेशेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा हसास होगा। ये पॉइंट हमने सबसे पहले जो दवा की मरकजी लामत थी उसमें भी डिस्कस किया है। अब पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हसास तबीयत का होगा, हसास इतना कि इसको सर्दी तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होती होगी। सर्द मौसम के अलावा ठंडी अशिया, ठंडी चीज़ें भी ये नहीं खा पाएगा। जब भी कोई ठंडी चीज़ें वगैरह खाएगा तो उससे भी जो इसकी सिम्टम्स होंगी उनमें काफ़ी ज़्यादा शिद्दत आ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ जाएंगी। अब उनमें सबसे मरकजी सिम्टम जो आ जाती है वो थायराइड्स की प्रॉब्लम, मतलब गले के जो सिम्टम्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा शिद्दत आएगी। अगर पेशेंट को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होगी तो काफ़ी ज़्यादा उसमें शिद्दत देखने में मिलेगी। अब सर्दी की वजह से तो पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं उनमें इजाफा होता है, लेकिन जब भी पेशेंट किसी गर्म जगह पर बैठेगा या अपने ऊपर कोई चीज़ें ओढ़ लेगा जैसे उसकी जो बॉडी हो वो गर्म हो जाए तो फिर उसकी जो इलामात होंगी उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी भी देखने मिलेंगी। अब जब पेशेंट अपने आप को कवर करेगा, अपने ऊपर चीज़ें ओढ़ लेगा तो फिर उससे उसको पसीना भी आएगा। अब आमतौर पर तो देखा जाता है कि जब किसी शख्स को पसीना आता है तो वो अपने ऊपर जो ओढ़ी हुई चीज़ें होती हैं उनको हटाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर हाइपर सेल्फ मेडिसिन के पेशेंट की बात की जाए तो इसको जब पसीना आएगा ये फिर भी अपने ऊपर से चीज़ें नहीं हटाएगा। यहाँ पर एक इलामत देखने मिलती है कि पेशेंट को सर्दी की वजह से अपनी इलामात में काफ़ी ज़्यादा शिद्दत देखने मिलती है और वो काफ़ी ज़्यादा हसास तबीयत का है, इसलिए वो सर्दी से बचने की कोशिश करेगा चाहे उसे बेशक पसीना ही क्यों ना आता रहे। अब पेशेंट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा हसास तबीयत का होगा तो जब भी उसको कोई पेन का सामना करना पड़ेगा, किसी दर्द का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो दर्द काफ़ी ज़्यादा कम हो, तो वो ख़ुद को काफ़ी ज़्यादा बेचैन पाएगा और कभी कभार पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिम्टम देखने मिलती है कि पेशेंट अगर काफ़ी ज़्यादा हसास तबीयत का है और ये लामत देखने मिल रही है तो फिर हाइपर सेल्फ लाजमी अप्लाई करानी चाहिए। अब जैसे पहली सिम्टम में हमने बात की थी कि पेशेंट के जिस्म पर फोड़े फंसियाँ वगैरह अब्सेसेस देखने मिलेंगे। अब जिस्म के ऊपर जब फोड़े फंसियाँ देखने मिलें, अगर जिस्म को छुआ जाए और उनमें दर्द महसूस हो तो तब भी जो हाइपर सेल्फ मेडिसिन है उसे लाजमी अप्लाई कराना चाहिए।
अब हाइपर सेल्फ पेशेंट जो होगा उसके जिस्म पर फोड़े फंसियाँ तो देखने मिलेंगे, लेकिन इनके साथ एक और अलामत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फोड़े फंसियों में पीप वगैरह पस वगैरह देखने में काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। अब हाइपर सेल्फ जो मेडिसिन आ जाती है, ये बात जब इसका डिटेल सेशन होगा हम उसमें फिर बात करेंगे तफसील के साथ भी, कि अगर हाइपर सेल्फ को लो पोटेंसी में दिया जाए तो फिर जो पीप वगैरह या पस वगैरह होती है वो काफ़ी ज़्यादा निकलती है, उसका इखराज हो जाता है, और जब हाई पावर में दी जाए तो फिर पस वगैरह बननी रुक जाती है। हाइपर सेल्फ मेडिसिन का पेशेंट इतना हसास तबीयत का होगा कि छोटी सी चोट लगने पर भी इसके जख्म में पस वगैरह पड़ जाएगी। अब जब भी हाइपर सेल्फ के पेशेंट में चोट वगैरह देखने मिले तो कोशिश की जाए कि स्टार्टिंग में ही हाई पोटेंसी अप्लाई करा दी जाए। अब उससे ये होगा कि पस पड़ने से पहले ही जो इन्फ्लेमेशन वगैरह होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर एक और सिम्टम पेशेंट के हवाले से आ जाती है कि पेशेंट को जब काफ़ी ज़्यादा ठंड वगैरह महसूस हो तो वो बिस्तर के अंदर जब लेटा हुआ होगा तो अगर वो बिस्तर से कोई भी जिस्म का अज़ा बाहर निकालता है, खसूसन हाथ या पाँव वगैरह, तो पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा खांसी की अलामत देखने मिलेगी। मतलब ये कि यहाँ पर भी पेशेंट के जो सिम्टम होंगी उनमें काफ़ी ज़्यादा शिद्दत आ जाएगी। अब थायराइड्स की प्रॉब्लम तो काफ़ी ज़्यादा होंगी, गले की प्रॉब्लम होंगी, तो उनमें खांसी की प्रॉब्लम भी आ जाती है साथ। जब भी पेशेंट अगर गर्म जगह पर है तो उसकी जो सिम्टम्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी है, लेकिन हसास तबीयत के होने की वजह से और सर्दी से अलामत बढ़ेंगी तो जब भी वो गर्म बिस्तर से बाहर पाँव या हाथ निकालेगा या जिस्म का कोई अज़ा निकालेगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम देखने में मिलेगी। अब यहाँ पर एक और सिम्टम आपके साथ शेयर कर दूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जो हाइपर सेल्फ मेडिसिन का पेशेंट होगा इसकी जो खांसी वगैरह होगी वो खुश्क नहीं होगी बल्कि वो तर खांसी होगी, और खसूसन जो टाइम देखने मिलेगा वो सुबह के वक्त का देखने मिलेगा। अब खांसी तर होगी या खांसी में खरखराहट वगैरह लाजमी देखने मिल रही होगी, इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ लाजमी पेशेंट में देखने में मिलेगी। अब जब भी किसी पेशेंट में ड्राई कफ हो वहाँ पर एक्विनाइट या फिर स्पॉन्जी अप्लाई करा जाए। ड्राई कफ के बाद अगर जो खांसी है उसमें थोड़ी बहुत नमी देखने मिल रही है, तर खांसी देखने मिल रही है, तो फिर वहाँ पर हाइपर सेल्फ अप्लाई कराई जाती है और उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी देखने मिलता है। लेकिन एक चीज़ मोस्टली देखने मिलती है कि जो हाइपर सेल्फ का पेशेंट होगा इसकी जो शिद्दत होगी खांसी की वो खसूसन सुबह के टाइम होगी, लेकिन स्पॉन्जिया या एक्विनाइट की बात की जाए तो इन पेशेंट्स में मोस्टली शाम के टाइम देखने मिलती है खांसी में शिद्दत वगैरह। अब अगली जो अलामत आ जाती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है। जो हाइपर सेल्फ मेडिसिन का पेशेंट होगा इसको जब भी स्टूल पास होगा, एक तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्म होगा, सॉफ्ट स्टूल होगा, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से पास होगा। उसके अलावा जब भी पेशेंट यूरिन करेगा तो यूरिन थोड़ा करने के बाद रुक जाएगा। अब पेशेंट को ऐसे महसूस होगा कि उसकी जो रेक्टम है या उसका जो ब्लैडर है, मसाना है, वो पैरालाइज हो चुका है। ये सिम्टम पेशेंट के अंदर देखने पाई जाएगी। अब इस तरह की सिम्टम्स जो होती हैं वो जो फिजिशियन होता है उसका काम होता है कि वो पेशेंट से उगलवाए। अब डॉक्टर हनीमन अपने अफारजे में ये चीज़ लिखते हैं कि जब भी पेशेंट अपनी सिम्टम फिजिशियन को बता रहा हो तो फिजिशियन का काम बनता है कि वो बीच में उसको ना टोके। जब तक पेशेंट अपनी सिम्टम तमाम सिम्टम सही तरह से बता ना दे तब तक कोई क्वेश्चन वगैरह ना किया जाए। जब सिम्टम्स कंप्लीट पेशेंट बता दे फिर उसके बाद फिजिशियन का काम बनता है कि वो क्वेश्चन करे ताकि कुछ सिम्टम्स रह गई हैं तो उनके बारे में भी वो जान सके। आप इस तरह के जो सिम्टम्स होती हैं इनको इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन करने चाहिए ताकि पेशेंट खुद ब खुद बता पाए। अब अगली जो सिम्टम आ जाती है वो छोटे बच्चों के हवाले से आ जाती है। जिस वक्त छोटे बच्चों में जो मोशन वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदबूदार देखने मिले और छोटे बच्चों के जिस्म से काफ़ी ज़्यादा बदबू वगैरह आए तो वहाँ पर हाइपर सेल्फ जो मेडिसिन है उसे लाजमी अप्लाई कराना चाहिए। इसके अलावा जो छोटे बच्चे काफ़ी ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, सूखे हुए होते हैं, उनमें खट्टी चीज़ों के खाने का रुझान जब काफ़ी ज़्यादा देखने मिले तो तब भी हाइपर सेल्फ को लाजमी अप्लाई कराना चाहिए। या अगर छोटे बच्चों में या बड़े अशखास में काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे से बदहजमी की प्रॉब्लम देखने मिल रही है और बदहजमी की प्रॉब्लम के साथ फिर भी जो उनके खाने की अशिया की ख्वाहिश है वो खट्टी चीज़ें हैं मोस्टली, तो वहाँ पर भी हाइपर सेल्फ को लाजमी अप्लाई कराना चाहिए। अब इन सिम्टम्स के अलावा एक और सिम्टम आ जाती है गले के हवाले से।
पेशेंट को जब इस तरह महसूस हो कि उसके गले में कोई कांटा वगैरह अटका हुआ है, जैसे मछली वगैरह जब खाई जाती है तो कांटा वगैरह गले में अटक जाता है, इस तरह की सिम्टम में भी हेपरसल्फ अपना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। अब हेपरसल्फ मेडिसिन के जो पेशेंट है उसकी जो सिम्टम में कमी वगैरह देखने मिलेगी वो खसूसन एक तो नमदार मौसम में देखने मिलेगी, जिस मौसम में काफ़ी ज़्यादा नमी देखने मिल रही हो, और उसके अलावा गर्म मौसम में पेशेंट की जो सिम्टम्स होंगी उनमें कमी देखने मिलेगी, या किसी गर्म जगह पर बैठने से पेशेंट की जो सिम्टम्स होंगी उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में मिलेगी। लास्ट बार मैं फिर आपके साथ हेपरसल्फ मेडिसिन की मरकजी लामत शेयर कर देता हूँ कि जो पेशेंट होगा हेपरसल्फ का, एक तो वो काफ़ी ज़्यादा हसास तबीयत का होगा और उसके अलावा सर्दी वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ना सिर्फ सर्दी बल्कि कोई भी दर्द वगैरह भी, चाहे वो दर्द मामूली सा ही हो, पेशेंट महसूस नहीं कर पाएगा। और मोस्टली पेशेंट में गले की प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगी, थायराइड्स प्रॉब्लम देखने में मिलेंगी, और पेशेंट के जिस्म पर जब भी कोई फोड़े फंसियाँ वगैरह या कोई चोट वगैरह देखने मिले तो उनमें पस वगैरह का रुझान काफ़ी ज़्यादा देखने में मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आपका हेपरसल्फ होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर लाजमी आप लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।